नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माइंड यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक खास जानकारी के साथ। और दोस्तों, अगर आप सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करना चाहते हैं या तो फिर बटेर की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है। अक्सर दोस्त मुझे फ़ोन आते हैं कि नीरज भाई, हम सोनाली मुर्गी की फार्मिंग कर रहे थे, माल तैयार होगा बिका नहीं। बटेर के विषय में भी यही लोग कहते हैं कि बटेर की फार्मिंग हम कर ली है, माल बिका नहीं, तो आखिर क्या वजह है दोस्त? और दोस्त, मैं अभी हूँ उदय जी के फार्म पर। और शुरू जब इनका शुरुआत हुआ था फार्मिंग का, बटेर फार्मिंग से इन्होंने शुरुआत किया था, उस समय से आज लगभग 2 से 3 साल का समय रहा होगा, 3 साल लगभग इनको फार्मिंग आए हुए हुआ है, तो उस समय से आज तक मैं देख रहा हूँ कहीं भी ये पीछे पलट कर नहीं देखे हैं, हमेशा तरक्की की राह पर दौड़ते रहे हैं और दौड़ रहे हैं। तो अगर ये कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं? देख लीजिए, शरीर में 2-4 हाथ नहीं लगा हुआ है, 2-4 पैर नहीं लगा हुआ है, 2-4 सर नहीं है। भगवान ने इनको भी वही उतना ही दिया है, उतना ही सब कुछ दिया है जो आपके पास है। समय भी इनके पास उतना ही था जितना आपके पास है। आखिर आप क्यों नहीं बेच पाते हैं और ये क्यों तरक्की की राह पर दौड़ रहे हैं, सारी जानकारी मिलेगी दोस्त आज की वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है उदय जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका भी मेरे फार्म पर स्वागत है सर। बटेर के पालन से शुरुआत किया था, उस समय से मैं आपको जानता हूँ। आज अच्छी खासी पोजीशन पर आप आ गए, अच्छा बढ़िया पोजीशन पर आप हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हमको कॉल करते हैं कि भाई बटेर पालन हम कर रहे हैं तो फिर लॉस का विषय है, लॉस की फार्मिंग है, सोनाली मुर्गी तैयार करते हैं तो वो कहीं बिकता नहीं है। तो भाई कैसे, आप कैसे कमा रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? सर, इसमें थोड़ा सा नया जानकार आदमी या फार्मर पालन करता है, मुर्गी पालन हो या बटेर पालन हो, तो उसको मार्केटिंग का अनुभव नहीं रहता है कि हम बेचें तो कहाँ बेचें, या तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम कैसे बात करें लोगों से या दुकानदार से कैसे बात करें। अगर बात करेंगे और शर्मिंदगी तो छोड़ना ही पड़ेगा, जो काम कर रहे हैं तो सभी शर्म कैसा, तो आपको जाके मार्केट में बात करना होगा, लोगों तक पहुँचना होगा। और मुर्गी रही तो कटर वाले से बात करना होगा, दुकानदार से, और बटेर वाली है तो उनसे भी होगा, और रेस्टोरेंट से बात कीजिए, रेस्टोरेंट से बात कीजिए, या तो फिर लोगों को जानकारी देना हो कि बटेर क्यों यूज किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या क्या है। जब उनको फ़ायदा समझ में आएगा तो इसका सेवन करना शुरू करेंगे, और 1 से 10 होते देर नहीं लगेगा, 10 से 1000 देर होते देर नहीं लगेगा। जो आप कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताने में शर्म कैसा है? अगर शर्म करेंगे तो अगला कैसे जान पाएगा कि भाई आप बटेर पालन कर रहे हैं या तो मुर्गी का पालन कर रहे हैं या तो सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं? तो अगले को बताएंगे तभी तो वो आप जान पाएंगे, या तभी तो वो लेंगे कि हाँ भाई चलिए इनके यहाँ सोनाली मुर्गी की फार्मिंग हो रही है तो चलिए यहाँ से भी हम ले सकते हैं, या तो फिर कटर को जाकर बात कीजिए, मार्केटिंग तो करना पड़ेगा, आपका बिजनेस है तो मार्केटिंग कोई दूसरा को नहीं करने आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। अब रही बात सोनाली मुर्गी और बटेर दोनों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है हमारे दर्शकों को। सबसे पहले सोनाली मुर्गी के ऊपर आते हैं, तो अगर कोई फार्मर सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करना चाहे तो मिनिमम कितने बर्ड से उनको शुरुआत करनी चाहिए? सर, सोनाली मुर्गी का वो कम से कम 250 पीस से शुरू करें, कम रहेगा तो बेचने में आसान है। और हम कहते हैं कि एक बार, ये नहीं कि एक बार ढेर सारा डाल लिए, जैसे 500, 1000, 2000, 5000 डाल लिए, आप 250 करके लौट रखिए हर एक महीना का सोनाली मुर्गी में, इस महीने डाल दीजिए फिर अगले महीने डाल दीजिए, ताकि आपके पास एक महीना का समय रहे उसको बेचने के लिए। और जितना चाहिए, चाहे तो खुदरा में बेचने की कोशिश कीजिए, खुदरा में जितना प्रॉफिट है उतना होलसेलर रेट में प्रॉफिट नहीं है। अगर आपको कस्टमर जान जाता है, डेली 2-4 भी मुर्गी बिकता है तो समझिए कि वो 20 के बराबर आपको मुनाफा प्रॉफिट दे के जा रहा है। अगर खुदरा में बेचते हैं तो जी, तो आपके कहानुसार उदय जी 250 मुर्गी से अगर वो शुरुआत करे, हो सकता है वो पार्ट टाइम सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करना चाहे, 250 से शुरू करना चाहे, तो 250 की मुर्गी की फार्मिंग करने में उनको कितना पैसा, कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी? सर, पैसा एक मुर्गी पे लगभग बच्चा से, जिस दिन से बच्चा ले जाएंगे उस दिन से लगभग 800 से 900 ग्राम होने टाइम तक उनको लगभग 145 से 150 रुपया तक खर्च जाएगा सर। यानी कि मान के चलिए 250 मुर्गी की फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं और तैयार होने तक 40,000 उनके पैकेट से जाएंगे। जी, मुर्गी में तो थोड़ा पूंजी ज़्यादा लगता है सर। अगर कम पूंजी में करना चाहें तो फिर बटेर है, बटेर में इन्वेस्टमेंट कम लगता है, उस हिसाब से पैसा भी अच्छा है, जो हिसाब से पूंजी लगता है उस हिसाब से पैसा है सर। बिल्कुल, उस पर भी मैं आऊँगा। तो 250 मुर्गी का जो आपने लेखा जोखा बताया कि लगभग 40,000 उनको खर्च करने पड़ सकते हैं, उसमें तो इनकम कितना हो जाएगा उसमें? देखिए सर, वो उस पर निर्भर है कि आप किस तरीका से उसको मतलब बेचते हैं। अगर खुदरा में बेच लेते हैं तो सीधा 40 का 80 बनेगा सर। अगर खुदरा में नहीं बेचते हैं सर तो उनको 40,000 पूंजी लगा के लगभग 20,000 रुपया, 20 से 30 के बीच में उनको प्रॉफिट होगा सर। 20 से 30 में आराम से कमा सकते हैं जी। थोक में बेचेंगे तो, और खुदरा में बेचेंगे तो सीधा डबल हो सकता है सर। डबल होगा ही होगा।
तो उद्धव जी, उसकी बीमारी और उसके रख रखाव के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए, जो नए फार्मर हैं जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए। सोनाली जी, सोनाली में सर नियमित रूप से टीका एक वैक्सीन दे के हम हैचरी से आता है या हमारे यहाँ भी हैचरी है तो उसे दे के भेजा जाता है कस्टमर के पास, और फिर दूसरा टीका उसको 7 दिन पर लगता है, फिर 14 दिन पर लगता है और 21 दिन पर लगता है। ये 3 टीका उसको देना नेसेसरी होता है, उसके बाद फिर महीना में एक लगता है, हर एक महीना एक लगेगा। अब थोड़ा सा फीड कॉस्ट पर भी आते हैं, बहुत सारे फार्मर इस वजह से भी फेल हो जाते हैं कि फीड कॉस्ट काफ़ी उसका उनका हाई हो जाता है, ज़्यादा उनका खर्च हो जाता है भोजन उसके भोजन पर ही। तो फीड कॉस्ट को कम करने का क्या उपाय है और क्या किया जा सकता है? फीड कॉस्ट को कम करने के लिए सर इसको थोड़ा सा घास वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद, ये नहीं कि छोटा मुर्गी है 250 ग्राम से प्लस हो जाने के बाद इसको हल्का फुल्का घास भी आप दे सकते हैं, तो वो भी फीड कॉस्ट को कम करेगा। प्लस घर में जो लोग हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद जो बच जाता है जूठन वगैरह या मार हो गया, ये सब भी ये मुर्गी खूब चाव से खाती है सर। वो भी खा लेती है? हाँ, खूब खाती है सर। यानी कि जब 250 से 300 ग्राम के ऊपर अगर मुर्गी हो जाए तो उनको हरा चारा भी देना जरूरी है या दे सकते हैं, तो इसे जिससे आप फीड कॉस्ट को कम कर सकते हैं और साथ ही जो जूठन वगैरह है वो भी दे करके उसको पाल सकते हैं। जी जी, ये भी उसको भोजन के रूप में दिया जा सकता है। तो मुर्गी की पालन, मुर्गी की फार्मिंग और सोनाली मुर्गी की फार्मिंग कोई करे तो अंडे के लिए बेहतर है या फिर उसके मांस के लिए बेहतर है? देखिए सर, बेहतर तो है मांस के लिए सर, अंडे के लिए, क्योंकि इसका अंडा देने का रेशियो कम है सर। ये अंडा देने में मतलब 5 महीना समय लगा देती है। जी, 5 महीना समय लगा देती है, उतना है भी नहीं, लगभग शायद 170 अंडा साल में, हाँ साल भर में 170 अंडा ही देती है, तो बहुत इसमें कॉस्ट ज़्यादा गिर जाएगा आपको और अंडा का पैसा नहीं मिल पाएगा जो हिसाब से खर्च जाएगा। यानी कि जो भी शुरू कर रहे हैं तो मांस के पर्पज से अगर सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करें और खुद से मार्केटिंग करें तो काफ़ी लाभ उनको हो सकता है। जी जी, वो मांस के माध्यम से मांस के पर्पज से पाले ना कि अंडे के पर्पज से, अंडे के पर्पज में उनको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। तो उसे मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है क्या सोनाली मुर्गी के फार्मिंग में? हाँ, मौसम की मार, ठंड से तो बचाना होगा सर, ठंड तो इसको असर करता है, ठंड से बचाने के लिए वही प्रिकॉशंस रखना है कि शाम के समय मतलब बाहरी हवा प्रवेश न करे, पर्दा वगैरह जो खिड़की है उसको ढक दें, और सवेरे धूप निकलने के बाद इसको इसका जो भी है पर्दा खिड़की वगैरह उसको तो खोलें। आप तो नीचे हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि सोनाली मुर्गी की फार्मिंग लगभग कर रहे, लगभग कितनी संख्या है नीचे आपकी? नीचे हमारे पास सर लगभग 1500 है। 1500 सब शायद अंडे के लिए आप रखें? जी, वो मेरा लेयर बर्ड है सर। सब लेयर बर्ड है? तो आपका खुद का हैचरी भी है ना? जी, मेरा खुद का अपना हैचरी है, और वहाँ यहाँ सर हम अपना सारा मेरा प्रोडक्शन अपना है, अंडा भी मेरे फार्म में ही आता है, ये नहीं कि कहीं फार्मर के यहाँ से कलेक्ट करके आता है। जो भी है सर मेरे यहाँ, कोई भी फार्मर अगर आके ब्रीड देखना चाहें उसी ब्रीड का ही अंडा उनको मिलेगा, बच्चा चिक्स मिलेगा। अच्छा, तो इसमें सोनाली मुर्गी की जो फार्मिंग करें तो उसमें ब्रीड का भी कुछ लोचा रहता है क्या? लोचा सर बंगाल का जो चिक्स रहता है सर, उसमें जो कलर होता है सर रेड कलर का ज़्यादा रहता है, और हम लोग का यहाँ का है सर सब मिक्स कलर है, ये नहीं कि ज़्यादा रेड कलर का है मुर्गी, और बाकी दोनों सेम ही है सर, जैसा इन्वायरमेंट में रहेगा वैसा बनेगा सर। ऐसा भी सुनने में आता है कि बाहर से जो चूजे मंगवाते हैं सस्ते के चक्कर में तो 50% में बनराजा मिला करके दे देता है लोग। हाँ सर, देखिए मेन बात क्या होता है कि उनके पास कई क्वालिटी का चिक्स रहता है, तो किसी में घटता बढ़ता है तो वो मिक्स करके दे देते हैं। अच्छा, हाँ, या तो फार्म में ये भी होता है कि सब रखा हुआ है तो इसमें से उसमें कभी कभी चला आया मुर्गी तो वो ब्रीड फिर ख़राब होने लगता है सर, तो उससे बचना चाहिए। जी, वो सब सही रहेगा तो सोनाली चिक्स ले रहे हैं तो सोनाली मिलेगा, और बनराजा ले रहे हैं तो बनराजा मिलेगा, ऐसे है कि मतलब मिक्स हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है क्या है नहीं है। बिल्कुल। अब चलिए दोस्त बात करते हैं बटेर फार्मिंग के ऊपर। तो अभी बटेर के विषय में कहा जाता है उदय जी कि इसका जो मार्केट है अधिकतर ठंडे के मौसम में बढ़िया रहता है, गर्मी में भी कोई इसको पूछता नहीं है, ये कहाँ तक सही है? एकदम 100% सही है सर, यहाँ भारत इंडिया के लिए ये ठंडी के मौसम में इतना ज़्यादा मार्केट है, लेकिन फिर भी नए लोगों के लिए नहीं है सर। नया लोग को जब तक जानेगा नहीं, उसको नॉलेज नहीं है कि हम कहाँ बटेर को ले जाएंगे तो इसका बिक्री होगा, कहाँ कैसे बिक्री करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सर, साल दो साल उनको टाइम देना पड़ेगा, तब वो मार्केट को समझ पाएंगे और खुद ब खुद उनको बेच पाएंगे। हाँ, धीरे धीरे उनको मार्केटिंग का नॉलेज हो जाएगा, वो खुद कहेंगे नहीं अब हम बेच लेते हैं। कहा जाता है दोस्त बटेर के विषय में कि बटेर का जो मार्केट है काफी छुपा हुआ मार्केट है, लेकिन उसको अगर आप तलाश लेते हैं तो उतना बड़ा मार्केट है कि आप
से जुट नहीं पाएगा माल, इतना उसकी बिक्री हो सकती है। क्या ये गलत है या सही है? सर एकदम, जितना पाले लाख दो लाख, ठंडी के मौसम में 2 लाख 4 लाख जितना पालना है सब निकलेगा बटे। लेकिन हाँ, सोचेंगे कि आज मतलब इस फील्ड में पैर रखे हैं और आज 2 लाख पाल के हम एक बार में बड़ा बन जाए तो नहीं होगा सर, वो बहुत बड़ी झटका उनको लगेगा और शायद फिर उबर भी ना पाएंगे। तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए बटेर पालन की, हमारे दर्शकों को बताइए। शुरुआत सर पहले तो वो थोड़ा थोड़ा ही करके पहले ब्रूडिंग का प्रक्रिया जान लें, क्योंकि हर एक चीज़ में कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। कॉस्ट अगर कम है आपके पास तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, अगर कॉस्ट बढ़ गया है तो कोई उसको बचा नहीं सकता है, आपको नुकसान होगा ही होगा। तो पहले धीरे धीरे करके आप थोड़ा से 250-500 पीस से चिक्स ले जाकर उसको ब्रूडिंग करने के लिए सीखें, ताकि ब्रूडिंग जान जाए तो फिर वो बड़ा हो गया तो फिर उसमें कोई भार ही नहीं है बटेर में, केवल दाना देना है, पानी देना है, कोई भी दवा भी नहीं देना है। क्या उसमें बीमारियां नहीं होती है? नहीं, बीमारी भी नहीं होती है सर, बहुत कम। हाँ, आप ठंडा में छोड़ दिए हैं, रात को फार्म खुला है, ठंडी पर आ गया अंदर, तो बीमारी तो होगा, ठंड लगेगा, तो ठंड लगेगा तो फिर तो दवा देना पड़ेगा, ऐसे अपने आप ठीक होगा नहीं। तो जब शुरुआत कोई करेंगे तो लगभग 200-250 से शुरू करना है उनको? 200-250 पीस से लेकर आप शुरू करके सीखें, फिर 250 पीस बड़ा हो गया, एक हफ्ता का हो गया तो फिर वो डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तब उनको टाइम भी मिल जाएगा कि एक हफ्ता पहले का ये माल है तो एक हफ्ता में हम 250 पीस को इधर उधर करके बेच लें, मार्केटिंग कर लें इसका, फिर उसके बाद दूसरा लॉट भी तैयार हो जाएगा। बटेर का जो चूजा है क्या कॉस्ट में आता है, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपके पास हैचरी आप है, क्या चूजा भी तैयार करते हैं? जी, बटेर का चूजा लगभग सर 12 से 15 रुपये के बीच में रहता है सर, ठंडी के मौसम में थोड़ा सा बढ़ता है, बाकी गर्मी के मौसम में तो इसका डिमांड बहुत कम है, न के बराबर है सर। तो 12 से 15 के बीच में हमारे किसान बंधुओं को उपलब्ध हो जाएगा बटेर के चूजे, उसको तैयार होने में कितना समय लगेगा और उस अवधि में कितना खर्च होगा? सर बटेर को चिक्स को तैयार होने में सर 30 से 35 दिन लगेगा, जो कि उसको फीड के फीड जो है सो प्रीमियम क्वालिटी का देना होगा, तभी वो जल्दी से जल्दी तैयार होगा। तो कितना कॉस्ट आ जाएगा उसमें? कॉस्ट लगभग सर बच्चा से लेकर के दाना पानी तक 35 दिन में, 30 से 35 दिन में 35 रुपया खर्च होगा सर। बच्चा से लेकर के दाना पानी तक, रख रखाव तक 35 रुपया उनको खर्च होगा? 35 दिन में 35 रुपया खर्च होगा। 35 दिन में 35 रुपया, और बिकेगा कितना में? बिकेगा सर अगर वो खुद बेच लेते हैं तो 50 से 60 रुपया, अगर दुकानदार को देते हैं 50 पीस 100 पीस 200 पीस तो वो 50 रुपया के एथी से जाएगा सर, और वो ज़्यादा मात्रा में अगर पालते हैं तो वो 40 रुपया के फिर एथी में जाएगा, 4,000 5,000 10,000 जो भी पीस रहे सारा चला जाता है। 10,000 पीस भी है तो अगर 5 के हिसाब से भी अगर बिकता है और 35 दिन में निकल जाता है माल, अब कोई बीमारी उसमें आती ही नहीं है, कोई टेंशन भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर इससे बढ़कर क्या हो सकता है उदय जी? जी जी, केवल सर ब्रूडिंग का प्रक्रिया है, ब्रूडिंग आप कर लिए सही से तो बर्ड है आपके पास तो उसको कोई नहीं रोकेगा पैसा देने से, अगर बर्ड है ही नहीं तो पैसा कौन देगा? तो इसमें भी वही बात है कि अगर खुद से अगर बेचते हैं, खुदरा बेचते हैं तो ज़्यादा मुनाफा होगा, और होलसेल में अगर देते हैं तो फिर कम मुनाफा होगा। 35 रुपये इसमें खर्च जा रहा है, अगर खुदरा बेच लेते हैं कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर को, तो वो सर अभी 70 रुपया पीस के हिसाब से बिक रहा है, तो समझिए कि कहाँ 35 रुपया खर्च हुआ और कहाँ 70 रुपये में बिक रहा है, सीधा दुगना। तो ये तो बात रही ठंडी में, कि ठंडी में अगर वो करते हैं तो फिर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, और गर्मी के मौसम में कैसे करेंगे या क्या करेंगे? नहीं सर, गर्मी के मौसम में तो बटेर के लिए यहाँ उनको फार्म में कम कर देना होगा, या तो बंद कर लें आप मुर्गी, उस टाइम में मुर्गी का काम कर लें और ठंड में फिर मुर्गी को बंद कर लें, या फिर अपना फार्म ग्रोथ करके आप फिर बटेर डालें। यानी कि अक्टूबर से लेकर के मार्च तक आप बटेर का पालन कर सकते हैं? होली तक मानिए सर, वही मार्च तक। हाँ मार्च, होली मान के चलिए, होली उसके बाद फिर आप उसको बंद कर लीजिए। हाँ उसको आप बंद कर लीजिए, उससे पहले सिमट लीजिए फार्म को। अच्छा, अच्छा। ताकि आपको दिक्कत ना हो, जो पूंजी फंसा हुआ रहा है वो बर्बाद ना हो। तो इसमें कोई बीमारियां नहीं आती, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं सर, बस केवल ठंडी से बचाना है और कोई बीमारी कोई दवा नहीं आएगा, कोशिश करना है कि जितना बढ़िया इसको फीड खिलाएं। एक चीज़ मैं भूल गया था, आवास प्रबंधन, मुर्गी की फार्मिंग कर रहे हैं, सोनाली मुर्गी की भी आप फार्मिंग करते हैं, तो उसको रखने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ती है और बटेर को रखने के लिए कितनी की जरूरत पड़ती है? सर मुर्गी को जहाँ तक सोनाली की बात रहे, उसको 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से उसको पालन किया जाता है, जैसे 100 स्क्वायर फीट है तो 100 मुर्गी, हाँ 100 पीस आप चिक्स डालिए वो उतना में सफिशियंट है सर, तैयार होगा। और बटेर के लिए? बटेर में सर है 1 स्क्वायर फीट है तो 5 पीस बटेर उसमें मीट पर्पज़ के लिए तैयार होगा, सफिशियंट है सर जगह। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, बेहतरीन जानकारी मिली आपके तरफ से हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे दोस्तों, बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए।